नगीना देहात पुलिस ने 5 गौ तस्करों को अवैध हथियार व चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 अभियुक्तों को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। 5 साथी अभियुक्त बताए गए हैं। अवैध रूप से पशुओं को काटने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने 5 अपराधियों को जेल भेज दिया है। बिजनौर SP के आदेश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नगीना देहात पुलिस ने जोगरमपुरी के पास 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अवैध हथियार व अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 5 साथी अपराधी हैं। मुठभेड़ के बाद 5 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इनका एक अन्य साथी शहजाद उर्फ लंगड़ा अभी फरार चल रहा है, जो कई मुकदमों में वांछी चल रहा है। ये अपराधी पशुओं की रैंकिंग कर अवैध रूप से कटान करके मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस की कामयाबी से खुश होकर SP ने पूरी टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए बिजनौर से शौकीन अहमद की रिपोर्ट। नगीना देहात पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में जोगी रामपुरी के पास पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उनको गिरफ्तार किया तमंचे और चाकू के साथ में। ये सातिर पशु तस्कर गैंग है, जो पिकअप गाड़ी से जगह जगह पशुओं को रैकिंग करके तलाश करके लोड करके ले जाता है और ये पशु कटान में यूज होते हैं। इसमें एक जो अन्य सातिर अपराधी है गैंग लीडर शहजाद उर्फ लंगड़ा, जो कीरतपुर थाने का रहने वाला है, गैंगस्टर में वांछित था, कीरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 नगीना देहात पुलिस ने कुल मिलाकर के 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पकड़े जाने से उम्मीद है कि जो पशु तस्करी पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस टीम को पुरस्कार स्वरूप 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है।